तो मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का जो ताजा बयान आया है उसके बाद जो विवाद पैदा हुआ है, इस बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी से बात की हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई ने। आइए सुनते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक नया विवाद खड़ा किया है। क्या यूपीए गवर्नमेंट मीडिया को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? हमारे साथ है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी। मनीष तिवारी, आपके मंत्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, सोलापुर में जाकर कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा करे जो सरकार के खिलाफ हो या ऐसे टेंडेंसीज को आगे बढ़ाए जिससे समाज बिखर जाए, हम उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सबक सिखाएंगे, हम उनको कुचल देंगे। क्या ये भाषा शोभा देता है? देखिए राजदीप जी, गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया के ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। शायद उनके मन में जो बात थी वो उस घटना से संबंध रखती थी जब पिछले वर्ष भारत के दक्षिण भारत के शहरों से उत्तर पूर्व के जो लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा। शायद उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। पर मैं आपको एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप पिछले 10 साल को एक परिप्रेक्ष्य में देखिए और आप पाएंगे कि यूपीए की सरकार ने, चाहे आलोचना कितनी ही तीखी रही हो, कितनी ही कठोर ना रही हो, तब भी ना किसी पत्रकार और ना किसी मीडिया हाउस के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की है जिसको आप द्वेष या रंजिश के भाव से ऐसे कह सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो टॉलरेंस लेवल्स हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, खास करके यूपीए सरकार की? क्योंकि ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं कि यूपीए सरकार हार रही है, लगता है एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है कि कहीं मीडिया इसके लिए जिम्मेदार ना हो, कि नरेंद्र मोदी को बढ़ावा दे रही है मीडिया। आप मीडिया को एक तरह से दोषी मान रहे हैं, आपके टॉलरेंस लेवल्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। राजदीप जी, असलियत ये है कि जितनी संवेदनशीलता और जितनी सहनशीलता यूपीए की सरकार ने दिखाई है, चाहे आलोचना कितनी ही गलत क्यों ना हो, वो शायद कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार नहीं दिखा सकती। और इसके विपरीत अगर आप हमारे विरोधियों को देखेंगे, आम आदमी पार्टी एक नई राजनीतिक प्रवृत्ति बनके इस देश में उभरी है, जब भी उनकी आलोचना होती है जिस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है कि मीडिया कॉरपोरेट इंटरेस्ट द्वारा खरीदा गया है, या जब आप जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, दक्षिणवादी शक्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनकी आलोचना करते हैं, तो किस तरह से आपको सोशल मीडिया पर प्रताड़ित किया जाता है अगर आप किसी राजनीतिक दल के तो खिलाफ। कांग्रेस में वो प्रवृत्ति नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपका खुद का चैनल, आप महाराष्ट्र में जब आपके खुद के चैनल के ऊपर हमला किया गया, एक क्षेत्रीय दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, मैंने खुद लोकसभा में उस चीज को उठाया, उसकी निंदा की थी। और पिछले 10 साल में आप एक घटना बता दीजिए जहां पे कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने, हमारे अग्रिम संगठनों ने कभी किसी पत्रकार या किसी मीडिया हाउस के खिलाफ कोई इस तरह द्वेष से प्रेरित कार्रवाई की? लेकिन कार्रवाई नहीं की होगी, लेकिन मनीष तिवारी जी, बार बार बयानबाजी आ रही है। कपिल सिब्बल आपके नेता कहते हैं कि मीडिया की वजह से एक माहौल बन गया है सरकार के खिलाफ, एक नेगेटिव माहौल मीडिया ने बनाया। कहीं ना कहीं आप मीडिया को दोषी देखकर मीडिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आज शिंदे जी का बयान। देखिए राजदीप जी, कुछ मीडिया को भी आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। मनीष तिवारी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।